हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन 3.0 ख़त्म हो चुका है और लॉकडाउन 4.0 जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसको एक राहत भरा लॉकडाउन कहा जा रहा था, जिसमें हम सोच रहे थे कि बहुत सारी रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो इस लॉकडाउन 4.0 में हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट है, वहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्या 10 बड़े फैसले जो है लिए हैं हरियाणा सरकार ने, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए बेहद ख़ास रहने वाले हैं, बेहद ज़रूरी रहने वाले हैं। उनकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो क्या क्या फ़ैसले लिए हैं, वो हम एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा और अहम फ़ैसला हरियाणा सरकार का ये था कि जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं, केवल उन्हीं में हमारा प्रतिबंध जारी रहेंगे, यानी कि केवल उन्हीं एरियाज़ में, उन्हीं हॉटस्पॉट एरियाज़ में जो है रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी, बाकी सभी एरियाज़ को जो है ऑरेंज जोन मानकर सामान्य गतिविधियां चलाई जाएंगी। ये सबसे बड़ा और अहम फैसला था, क्योंकि ऑरेंज जोन में अगर कोई एरिया आ जाता है तो वहां पर बहुत सारे जो है कार्य करने की अनुमति सरकार की तरफ से मिल जाती है, लेकिन कंटेनमेंट जोन ही केवल एक ऐसा क्षेत्र अब रह गया है जहाँ पे जो कार्य हैं वो रेस्ट्रिक्शंस के साथ करने होंगे या जहाँ पे कुछ लिमिटेशंस रहने वाले हैं। तो अभी हमारे हरियाणा के अंदर जो है 250 ऐसे कंटेनमेंट जोन है पूरे 22 ज़िलों के अंदर, जहाँ पे गतिविधियाँ जो है कुछ रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी, लेकिन बाकी सभी क्षेत्रों को जो है ऑरेंज जोन मानकर वो सारी गतिविधियाँ जो है सामान्य रूप से चलाई जाएंगी, ऐसा हमारे जो CM का कहना है। उसके बाद और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो कुछ आपको जो है इसमें डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो है चीज़ें वो डायरेक्टली आपको अफेक्ट करेंगी और कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगी। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं, जिसमें इंडस्ट्री जो है पूरे स्टाफ के साथ चलेंगे। उद्योग इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हमारे ऑरेंज जोन्स के अंदर आएंगी, वो कंप्लीट जो है मैन पावर, कंप्लीट स्टाफ के साथ जो है वो काम चला सकते हैं। तो इसमें जो है सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो है काम रूटीन वर्क में चलेगा। उसके बाद रात को जो है सुबह 7 बजे तक जो कर्फ्यू रहेगा, लेकिन उस टाइम में भी जो है इंडस्ट्री चल सकती हैं। उनको जो है अपनी शिफ्ट का शेड्यूल इस तरह से जो है मेंटेन करना होगा कि रात को 7 बजे से पहले लोग कंपनी में आ जाएं और सुबह 7 बजे के बाद ही जो है लोग कंपनी से बाहर जाएं। केवल 2 ही शिफ्टों में जो है काम करने की परमिशन सभी इंडस्ट्रीज़ को मिली है। उसके बाद अगर किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में कोई कोरोना का मरीज़ मिलता है तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन के लिए अवधि निर्धारित अलग से कर दी जाएगी। तो ये जो है इंडस्ट्रीज़ को लेकर डिसीजंस था। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन का फुल परमिशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से दे दी गई है। राज्य में अब कंस्ट्रक्शन का काम जो है गति पकड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के काम के लिए किसी भी तरह की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितनी ज़रूरत होगी उतने श्रमिक लगाए जा सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो है 100% छूट अब दे दी गई है लॉकडाउन 4.0 में। उसके बाद अगर हम खेल की बात करें तो खेलों के संदर्भ में स्टेडियम्स खुले रहेंगे। एक बार में एक टीम जो है एंटर कर सकती है स्टेडियम में, लेकिन बिना दर्शकों के जो है खेलों का आयोजन किया जा सकता है, ऐसा जो है सरकार ने अभी तय किया है। और खिलाड़ियों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा भी उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद है परिवहन, रोडवेज बसें चलेंगी, जो कि आपको बहुत हद तक प्रभावित करेगा ये फैसला, क्योंकि प्रदेश के अंदर के जितने भी ज़िले हैं जो कि ऑरेंज जोन में आते हैं, वहाँ पर इंटर स्टेट बसें तो चलेंगी ही चलेंगी, साथ ही जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे भी हरियाणा के जो CM ने एक पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है, और वहाँ से अगर एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो हरियाणा रोडवेज की बसें दूसरे स्टेट्स में भी जाएंगी। अभी अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो है बसें स्टार्ट हो चुकी हैं। दिल्ली से विभिन्न जो है ज़िलों के अंदर बसें हरियाणा रोडवेज की चलाई गई हैं। दूसरी बात ये कही है कि जहाँ पर जिन रूटों पर सवारियाँ कम होगी वहाँ पे मिनी बसें चलाई जाएंगी, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से भी बसों का संचालन शुरू होगा, जिसमें 30 सवारियाँ जो है बैठ सकती हैं। इसके अतिरिक्त ऑटो रिक्शा और टैक्सी पर भी जो है छूट को लेकर विचार किया जा रहा है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि ऑटो रिक्शा में एक सवारी की छूट रहेगी, जबकि टैक्सी में ड्राइवर के साथ 2 सवारी बैठ सकती हैं और 2 व्हीलर पर 1 व्यक्ति ही होगा।
तो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। अच्छा, अगर रेलगाड़ियों की बात करें, अगर ट्रेन्स की बात करें, तो पैसेंजर्स ट्रेन्स जो है चल सकती हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पैसेंजर्स ट्रेन्स चलती हैं, तो वो जो है ट्रेन्स चल सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट क्या डिसीजन इसमें लेने वाली है। उसके बाद जो है रजिस्ट्रियों की अगर बात करें, तो रजिस्ट्रियाँ जो है वो डेली रूटीन में होंगी, जो भी वर्किंग डेज होंगे उनमें रजिस्ट्रियाँ होंगी, 9 से शाम 5 बजे तक जो है रजिस्ट्रियाँ आप करवा सकते हैं। अब जो है डायरेक्ट बेनिफिट्स की अगर बात करें, तो डायरेक्टली जो आपको अफेक्ट करने वाले हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी बिल सरचार्ज वेवर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर कुछ सरचार्ज अमाउंट जो है जोड़ के आती थी, पहले जो बेसिक यूनिट्स होती थी उसका खर्चे के अलग से जो है उसके ऊपर जो सरचार्ज लगा दिया जाता था, अब वह जो सरचार्ज 2-3 महीने के लिए आपका नहीं लगेगा। और अगर इन केस किसी ने बिल पे कर दिया है या पहले से बिल उसका आ चुका है सरचार्ज के साथ, तो नेक्स्ट बिल्स में वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, ऐसा जो है डिसीजन सरकार ने लिया है। उसके बाद है 4000 न्यू ट्यूबवेल कनेक्शंस, यानी कि जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए अप्लाई किया हुआ है और पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं, उन ऐसे किसानों को जो है 4000 किसानों को जो ट्यूबवेल कनेक्शंस मिलने वाले हैं। उसके बाद हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, एक हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स का जो है उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा, और ये जो है स्कीम्स जो है डायरेक्टली इसका जो कार्यभार जो है सीएम हमारे जो सीएम है श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ही इसको कंट्रोल किया जाएगा। इस स्कीम्स का उद्देश्य ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना घर जो है सरकार प्राप्त दिलवा सके, और कम कंसेशनल रेट्स के ऊपर जो है उनको लोन्स की व्यवस्था की जाए। कुछ ऐसा भी प्रोविजन है जो अपना घर नहीं लेना चाहते, जो रेंटेड हाउसेज में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए जो रेंटेड हाउसेज एट कंसेशनल रेट्स पर जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसके बाद है भर्तियों को लेकर भी जो है एक अहम बात कही गई है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, वो ये है कि जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं उनको जल्द पूरा किया जाएगा, और जितने पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको जल्द ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें पेंशन स्कीम है। पेंशन स्कीम क्या है कि जो हमारे जितने भी जैसे कि ओल्ड जो वृद्ध पेंशन स्कीम है या विधवा पेंशन स्कीम है, तो पहले उसमें प्रोविजन था कि अगर उसके बाद है पेंशन स्कीम्स के अगर बारे में बात करें, तो पेंशन स्कीम में पहले ये प्रोविज़न था कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी पेंशन लगी हुई है वो पेंशन लेने नहीं जा पाता 1 या 2 महीने, तो उसकी पेंशन जो है कैंसिल कर दी जाती थी और आगे से उसको 1 साल तक कोई भी पेंशन नहीं मिलने वाली थी। लेकिन अब इसमें छूट देते हुए 30 जून तक जो है ये अवधि बढ़ा दी गई है कि 30 जून तक भी अगर कोई पेंशन लेने नहीं जाता तो उसकी पेंशन योग्य तो बनी रहेगी और उसकी पेंशन जो है अब कैंसिल नहीं की जाएगी। तो ये कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स के बारे में मैंने आज आपको बताया। और उसके बाद अगर हम दुकानों की बात करें, तो बाज़ार में सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तय किया जाएगा कि वो ऑड इवन में चलानी है या कैसे चलानी है। तो ये जो है कुछ अहम फैसले जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने लिए हैं लॉकडाउन 4.0 में, जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त जो अदर जो सिस्टम्स हैं जो बंद रहने वाले हैं वो आपको शायद पता होगा, जैसे कि स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, जिम है, स्विमिंग पूल, बार, सिनेमा हॉल, मॉल, ऑडिटोरियम, धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, ये सारे जो बंद रहने वाले हैं। अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही जो है कार्य किया जा सकता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी रिगार्डिंग हरियाणा गवर्नमेंट डिसीजंस को लेकर अबाउट लॉकडाउन 4.0। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।